हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि एनल फिशर के जो पेशेंट्स रहते हैं उनको क्या चीज़ें खानी हैं और क्या चीज़ें अवॉइड करनी हैं, उनके खान पान में ऐसी क्या चीज़ें इंक्लूड करें जिससे कि ये फिशर की प्रॉब्लम ठीक हो। राइट, एनल फिशर की प्रॉब्लम जो होती है मलद्वार के अंदर होता है क्या, उसमें लाइनिंग म्यूकोसा होती है, उसके अंदर चोट लगने से अल्सर बन जाता है, उसमें घाव बन जाती है। तो ये जो फिशर की प्रॉब्लम है इसका जो सबसे बड़ा कारण होता है कि कब्ज का होना, कॉन्स्टिपेशन होने से जो स्टूल है मल वो हार्ड हो जाता है, उसका साइज भी बड़ा हो सकता है। और एक दूसरा कारण होता है कि जो स्फिंक्टर है वो थोड़ा सा टाइट हो गया है। इन दो चीज़ों के कारण ये फिशर की प्रॉब्लम होती है, तो इसी को हमें ठीक करना होता है। तो अभी खाने की बात करें तो हमें खाने में ऐसी चीज़ें सम्मिलित करना है जिससे स्टूल साफ्ट रहे। उसके लिए खाने में फाइबर होना चाहिए। फाइबर जो स्टूल का बल्क प्रोवाइड करता है। राइट, फाइबर से स्टूल में बल्क आता है और फाइबर के कारण ही स्टूल साफ्ट होता है। तो ऐसी चीज़ें जिसमें फाइबर ज़्यादा है वो चीज़ें आपको खानी है। दिन में लगभग 30 से 40 ग्राम फाइबर खाना चाहिए। फाइबर हमें हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलता है, दूसरी भी हरी सब्जियों में मिलता है, वो सीजनल कोई भी सब्जी हो सकती है, करेला, कद्दू, बैंगन, भिंडी, चौलाई, पालक, इस तरह की सब्जियां, आलू, शकरकंद, राइट, बैंगन हो गया, इसके अलावा गोभियां हैं, फूल गोभी हो गई, बंदा गोभी हो गया, केल हो गया, ब्रोकली हो गया, ये जितनी तरह की सब्जियां होती हैं सब में फाइबर होता है। तो आपको जो सब्ज़ी पसंद हो, आपके एरिया में जो मिलती हो, जो सस्ती मिलती हो, जो सीजन में उपलब्ध हो, उसको आप खाएं। कोशिश ये करें कि सब्जी में ज़्यादा तेल मसाला नहीं डालें, क्योंकि तेल मसाला डालने से कब्ज की प्रॉब्लम होती है। और फिशर के पेशेंट में तो स्पेशली अगर मिर्ची वगैरह ज़्यादा यूज की जाए, लहसुन वगैरह ज़्यादा यूज की जाए तो जलन हो सकती है। तो सब्जियों में फाइबर होता है तो खूब सारी सब्जियाँ खाएँ। पानी पिएँ, पानी कम से कम 4 से 5 लीटर पीना है। पानी पी सकते हैं, सादा पानी हो, नींबू पानी हो, छाछ हो, वेजिटेबल के सूप बना सकते हैं, राइट, नारियल पानी पी सकते हैं। तो तरल पदार्थ लेने से स्टूल साफ्ट रहेगा तो इजली पास होगा और जो फिशर की प्रॉब्लम है, जो म्यूकोसा में घाव हो गया वो इजली भर जाएगा। तो पानी पीना है। इसके अलावा फ्रूट्स लेना, ये चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी हैं कि जितने तरह के हमारे फल होते हैं सब में फाइबर होता है, पानी खूब सारा होता है इसमें, न्यूट्रिशन होता है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं जो कि घाव भरने में मदद करते हैं, कैलोरी भी कम होती है, फाइबर भी होता है, पानी भी होता है। तो फिशर के पेशेंट्स के लिए जो फ्रूट्स हैं वो बहुत ही अच्छे खाने की चीज़ें हो सकती हैं। फ्रूट्स देख सकते हो सीजन के हिसाब से, जो सस्ता मिले जिस एरिया में जो रहता है। कुछ एरिया में अमरूद मिलता होगा तो किसी एरिया में सेब मिलता होगा, किसी में अनार मिलता होगा, राइट, किसी में बनाना मिलता होगा, किसी जगह पे अंगूर मिलता होगा। तो किसी भी तरह का जो फ्रूट्स होता है वो फिशर के पेशेंट्स के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि उसके अंदर पानी होता है, न्यूट्रिशन और फाइबर रहता है। इसके अलावा आप दही खाने में सम्मिलित करें, इसके अलावा छाछ सम्मिलित करें, क्योंकि इनके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं, पेट इससे साफ रहता है। तो ये हमारे खाने का चुनाव हुआ। इसी तरीके से अनाज, जो हम रोटी खाते हैं, जो चावल खाते हैं, जो दालें खाते हैं, अनपॉलिश्ड होनी चाहिए, खाने में मैदा नहीं होना चाहिए, बिस्किट से बचना है, नमकीन से बचना है, तली भुनी चीज़ों से बचना है, चाउमीन चाट से बचना है, पेस्ट्री केक मिठाइयाँ जिसमें शुगर, शुगरी ड्रिंक, शक्कर, ये सारे कब्ज कराते हैं और वज़न भी बढ़वाते हैं, इससे फिशर की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। देखो, फिशर की प्रॉब्लम के लिए कब्ज के साथ में और भी चीज़ें, मोटापा का होना, ज़्यादा ना चलना, छोटे बच्चों में होता है, प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के बाद काफ़ी कामन है, ऐसे लोग जिनको पेट संबंधी कोई प्रॉब्लम है, कोई इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम है, उस केसेस में भी ये फिशर की प्रॉब्लम होती है। तो तली भुनी चीज़ें, शक्कर, मैदा को अवॉइड करना ही बेहतर रहता है। इसके अलावा आप एक्सरसाइज करें रोज़। एक्सरसाइज करने से भी जो कब्ज की प्रॉब्लम होती है वो ठीक होती है। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारी फाइबर वाली चीज़ें आती हैं, राइट, जैसे कि इसबगुल वगैरह हो गया, उसको भी ले सकते हैं। इसके अलावा एलोवेरा का इसमें कुछ रोल है, कुछ फ़ायदा मिलता है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि एक्सरसाइज से भी इसमें आराम मिलता है। जब भी टॉयलेट करने जाएं तो ज़्यादा जोर नहीं लगाएं, स्ट्रेनिंग करने से म्यूकोसा के अंदर चोट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो लोग नॉनवेज पसंद करते हैं वो भी नॉनवेज ना खाएं तो ही बेहतर है, या तो कम खाएं, स्पेशली रेड मीट तो बिल्कुल नहीं खाएं। अगर नॉनवेज खाना भी है तो फिश खा सकते हैं और एग ले सकते हैं प्रोटीन के सोर्स के लिए, उसमें भी ग्रेवी ना हो तो बेहतर है, क्योंकि रेड मीट से कॉन्स्टिपेशन होता है, ऑयल से होता है, मसालों से होता है, जो सैचुरेटेड फैट है ये कॉन्स्टिपेशन कराता है। तो इस चीज़ों को ज़रूर अवॉइड करें जो लोग नॉनवेज लेते हैं।
खाने में बदलाव करना ही एनल फिसर के लिए सबसे अच्छा इलाज रहता है। इलाज काफ़ी मतलब ये असरदार इलाज रहता है। इलाज तो एनल फिसर के लिए और भी आते हैं, कुछ क्रीम्स भी आती हैं लगाने के लिए, कुछ अगर नहीं ठीक होता तो एक आते हैं सर्जिकल, सर्जिकली जो स्फिंक्टर होता है उसके फाइबर को कट कर दिया जाता है, राइट। दर्द के लिए आती हैं कि क्रीम लगा लिया जाए दर्द के लिए, सूजन के लिए क्रीम आती है। लेकिन जो दिनचर्या और खाना है ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर किसी भी व्यक्ति को एक बार फिसर की प्रॉब्लम हुई है तो उसको लाइफ में दोबारा भी होने के चांसेस रहेंगी, तो वो खाने में बदलाव अपने ज़रूर करें। जैसा कि मैंने जो जो चीज़ें बताई हैं अगर वो इंक्लूड करते हैं अपने खाने में रखते हैं तो फिसर की प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक इलाज हो जाएगा। और एक बात आपको ये समझना पड़ेगा कि जो खाने का पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, खाने को पूरा ऐसा समझना चाहिए कि सिर्फ एक ही चीज़ खा के फिसर की प्रॉब्लम हमेशा के लिए नहीं ठीक हो जाएगी। आपको पूरे खाने में ध्यान रखना पड़ेगा प्रपोर्शन का, कि पानी ज़्यादा हो खाने में, फाइबर ज़्यादा हो, इजीली खाना डाइजेस्ट हो जाए, और एक्सरसाइज करना है, और इसके अलावा जो तनाव वगैरह है इसको भी कम करना है क्योंकि तनाव से भी कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है। इसके अलावा जो एल्कोहल है, स्मोकिंग है, इस तरह की हैबिट्स है, वज़न को कम करना है, राइट। तो अगर इस तरह की चीज़ें करेंगे तो जो फिसर के पेशेंट्स हैं उनको ज़रूर आराम मिलेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।